नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंह आनिया। दोस्तों, आज बिहार पंचायत यात्रा के दौरान बैरिया प्रखंड अंतर्गत भिदा पंचायत में हैं और यहां के बीडीसी प्रत्याशी यानी पंचायत समिति प्रत्याशी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत चर्चित हैं। यहां पे लोगों के बीच में इनका बहुत ज़्यादा अभी बोलबाला चल रहा है। पंचायत चुनाव का सरगर्मियाँ चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा है। सर, क्या नाम हो आपका? सर, अभय कुमार पाठक। इस बार चुनाव में आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग का मुख्य उद्देश्य है पंचायत का चौमुखी विकास, शिक्षा पर ज़्यादा जोर और स्वास्थ्य केंद्र पर जोर। सबसे ज़्यादा मतलब विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए। शिक्षा को लेकर आप लोगों का क्या राय है? शिक्षा को लेकर ये राय है कि देखिए, जहाँ शिक्षा नहीं काम हुआ है वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जनता अगर जीत कर उस पोजिशन में लाती है तो मैं सबसे पहले शिक्षा पर ही काम करूंगा और जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर में एक एक पंचायत के घर में जाएंगे, अंदर से बच्चों को जो भी पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, किसी प्रकार की अभाव है, उसको पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। उसमें जो भी कमियाँ होगी, जो खर्च करना होगा, चाहे वो किसी भी सरकारी फंड से करना हो, हम लड़कर बाहर से भी लाएंगे। अगर प्रमुख बनते हैं तो हम बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे जैसे व्यक्ति जो विकास पुरुष ऑलरेडी हम लोग हैं, बिना जीते जो विकास किए हैं, जीतने के बाद क्या करेंगे ये जनता जानती है। और वो सारा मुद्दा जो भी अधूरा है, जनधन योजना जो यहाँ लागू नहीं है, ढंग से लागू नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर किसी को इलाज कराना है तो या तो बेतिया MJK हॉस्पिटल जाना है या फिर बैरिया ब्लॉक में। जो गरीब आदमी है जिसके पास बाइक नहीं है जाने का, वो तो घर में मर जाएगा, टंगा से जाते जाते वो अधूरा अपना प्राण त्याग देगा। तो उस चीज़, ये मेरे लिए मुद्दा होगा एक नंबर कि स्वास्थ्य केंद्र हम अपने पंचायत भवन में लगाएं, यहाँ लाएं, एक डॉक्टर वहाँ बैठे, उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। अभय कुमार पाठक के साथ हम लोग मिलके एक नई क्रांति पंचायत में लाएंगे, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश और नए उमंग के साथ, जो आज तक इस पंचायत में 80 साल तक कुछ नहीं हुआ, इस पंचायत को इतनी योजनाओं से हम लोग भर देंगे कि आगे हम लोग को चुनाव में अपना चुनाव चिन्ह लोगों को सिर्फ बताना होगा, जाकर घर में वोट नहीं मांगना होगा। इतना काम करना है कि सिर्फ लोग जान जाए कि हाँ, ये चुनाव चिन्ह मिला है, लोग बैठे हम लोग को वोट देंगे और जिताएंगे। ये सर, इस बार जनता अगर आप लोगों को अपना कीमती वोट देकर आपको अपना नेतृत्वकर्ता अगर चुनती है तो क्या आने वाले 5 सालों में जो योजनाएं आएंगी उसका संपूर्ण लाभ जनता को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी बहुत चीज़ हम बोले तो बिजली पे काम, सड़क पे काम, आपका शिक्षा पे काम, स्वास्थ्य पे काम, पानी पे काम, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार द्वारा, सबको लाएंगे और सबका लाभ मिलेगा। जब बदलाव ये लोग करें, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, तो ही लाभ मिलेगा, तो ही अच्छे आदमी आएंगे और लड़ेंगे। जुझारू आदमी रहेगा तो लड़ेगा, ये अगला लड़के लाएगा और सबको लाभ देगा, घर घर तक पहुँचाएंगे लाभ। सर, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपका क्या राय है अपने पंचायत के बारे में? महिला के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, उनका सुरक्षा चाहिए, उनका हर जगह जो भी उनका कमी हो सबका हम लोग साथ खड़े रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BDC प्रत्याशी जिनका कहना है कि महिलाओं के साथ खड़ा रहेंगे और एक समाज में जीतने के बाद नई क्रांति की बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी देखिए और समझे। इनसे भी बात करते हैं कि भिदा पंचायत की जनता को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, भिदा पंचायत की जनता को आप लोग इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस चैनल के माध्यम से यही हम संदेश देंगे कि सबको देखे बारी बारी, हमको देखे एक बारी, ये लास्ट चांस एक बार देके अपना कीमती वोट, अनमोल वोट हमको दें और उसके बाद देखे 5 साल में हम क्या करते हैं। ऐसा करेंगे कि जो पहले भी बोले हम, तो भिदा पंचायत के जनता को संदेश एक लाइन में होगा कि बस एक चांस मुझे दिया जाए, उसके बाद आप देखें कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, कैसे करूँगा, जो भी अधूरे काम है सबको लागू करूँगा, सबको पूरा करूँगा, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सारा काम हम जन जन तक पहुँचाएँगे, घर घर तक पहुँचाएँगे। ये मेरा अपने तरफ से वादा है सभी जनता से। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से हम अपील कर रहे हैं कि एक बार मौका दे। नारियल छाप एक क्रम संख्या 1 पर है, जो मेरी पत्नी खड़ी हुई है डेजी देवी,
एक बार सेवा का मौका दें, जनताओं को भारी मतों से जिताए और मैं जनता का आभारी रहूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेजी देवी जो कि BDC प्रत्याशी हैं, उनके पति हमारे साथ हैं अभय कुमार पाठक। इनका कहना है कि समाज के साथ खड़ा रहेंगे, जनता से निवेदन भी कर रहे हैं कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें और उसके बाद विकास के बारे में आप खुद देखेंगे और निर्णय आपका होगा, तो आप भी देखें और समझें। अगर आपको लगता है कि विधा पंचायत के लिए नारियल छाप यानी डेजी देवी, अभय कुमार पाठक, ये सभी लोग अगर सही हैं तो आप भी इनका खुलकर समर्थन करें और बने रहें आप हमारे साथ। अगले एपिसोड में आपको अगले खबर से रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।